हाय एवरीवन, दिव्य ज्योति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्स के बारे में, यानी कि मंगल के बारे में, कि मंगल हमारे जीवन में या हमारी कुंडली में क्या रोल प्ले करता है या किस चीज का प्रतीक है। मंगल हमारे जीवन में शक्ति का, साहस का, बल का, हमारे ब्लड का, हमारे छोटे भाई बहन, इन सब चीजों का प्रतीक है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा मंगल अच्छा है या नहीं अच्छा है। अगर आपका HB हमेशा कम रहता है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, या HB कम रहता है, या बार बार आपको चोट लग जाती है, या घाव हो जाते हैं वो जल्दी नहीं सूखते, या इचिंग की प्रॉब्लम है, या ब्लड से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है, कोई जख्म या ट्यूमर या पीलिया, ये सब बीमारियां हमें मंगल से होती हैं। तो अगर ऐसा कोई भी डिजीज है तो आपकी कुंडली में मंगल इसका मतलब ठीक नहीं है। अब हम मंगल को कैसे ठीक कर सकते हैं? हम मंगल को मूंगा पहन के भी ठीक कर सकते हैं। मूंगा आप तांबे में भी पहन सकते हैं, गोल्ड में भी, लेकिन वो बिना कुंडली दिखाए नहीं पहनना है। और जो सबसे अचूक इलाज है वो है हनुमान चालीसा का पाठ, कि आपने एवरी ट्यूसडे, अगर आप एवरी डे नहीं कर सकते तो एवरी ट्यूसडे जरूर करना है, नहीं अगर आप एवरी डे कम्फर्टेबली कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। अब मंगल जिनका बहुत अच्छा है वो क्या क्या उचका है या अपनी राशि में है, वो काम क्या क्या कर सकते हैं? आप सेना में भर्ती हो सकते हैं, पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। जिनका मंगल उचका होता है मोस्टली वो IPS होते हैं, यानी कि बड़े पुलिस ऑफिसर होते हैं, या किसी भी सेना में बड़े ऑफिसर होते हैं, या जेल में जेलर भी होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग शिकार में, सर्कस में, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे रहते हैं। तो जिसका मंगल अच्छा है वो प्रोफेशन में इस साइड जा सकता है। और अगर आपका मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप लाल कलर की दाल का भी दान कर सकते हैं, वो आपने मंदिर में भी कर सकते हैं या गुरुद्वारे में भी, रेड कलर की जो दाल होती है उसका। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।